Hello dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Today dear student, we are going to discuss about the very interesting exercise. Yes, exact anti meridian, that is AM, and post meridian, that is PM. Aaj hum कहाँ पे एम का यूज़ करते हैं, कहाँ का पीएम यूज़ करते हैं, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम का यूज़ कब कब कहाँ कहाँ हम करते हैं. डियर स्टूडेंट, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है उसे हम AM कहते हैं, दैट इज एंटी मेरिडियम. ओके, एंड 12 बजे के बाद यानी आफ्टरनून जब शुरू होता है 12 बजे के बाद 12 ओ क्लॉक आफ्टर टू 12 ओ क्लॉक मिड नाइट जो टाइम होता है वो क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है, दैट इज PM. ध्यान दीजिए, रात को 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम AM कहते हैं, एंटी मेरिडियम. दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, PM, पोस्ट मेरिडियम. क्लियर है? उसी को ध्यान में रख करके हमें कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. 5:25 इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है. 5:25, 5:25 मॉर्निंग टाइम है, सुबह का टाइम है. 12 बजे रात से और दोपहर को 12 बजे तक का टाइम को हम AM कहते हैं, मींस एंटी मेरिडियम. यानी हम यहां पे क्या शो करेंगे, 5:25 AM. क्लियर है? 5:25 AM एंटी मेरिडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:20 इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है और 2:20 है. दोपहर को आफ्टरनून से रिप्रेजेंट करते हैं और आफ्टरनून हमारा 12 ओ क्लॉक से शुरू होता है. 12 ओ क्लॉक दोपहर से रात को 12 बजे तक, यानी रात को 12 बजे तक और दोपहर से 12 बजे से, दोपहर को 12 बजे से और रात को 12 बजे तक का टाइम जो होता है वह PM होता है, पोस्ट मेरिडियम. यानी ये जो टाइम होगा 2:20 आफ्टरनून दोपहर का टाइम है और दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है, यानी PM. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:20 PM. क्लियर है? 2:20 PM. थर्ड क्वेश्चन देखिए, 12:30 at night मीन्स 12:30 12:30 हो रहा है और ये रात को हो रहा है और रात को 12 बजे के बाद दोपहर को 2 बजे का जो टाइम है वो क्या है, AM है, एंटी मेरिडियम. तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 12:30 AM. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या है, 10:05 in the morning सुबह का टाइम है, 10:05 हो रहा है और ये टाइम जो है वो क्या है, मॉर्निंग का टाइम है,
सुबह का टाइम है, रात को 12 बजे के बाद दोपहर को 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो क्या होता है, AM होता है, एंटी मेरिडियम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टे फाइव ए एम। क्वेश्चन नंबर 5, 6:50 इन द इवनिंग, शाम का टाइम है, शाम के समय 6:50, 6:15 शाम का जो टाइम है वो क्या बताता है, PM बताता है। 12 बजे दोपहर के बाद 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है, दैट इज PM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6:50 PM। क्लियर है सभी को, 6:50 PM पोस्ट मेरिडियम। ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट, 3:10 at night रात को 3:10 हो रहा है, यानी ये सुबह में आएगा, AM में होगा, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM होता है। यानी ये 3:10 जो है एट नाइट, 3:10 AM एंटी मेरिडियम होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कैसे हम AM और PM में डिफरेंट करके आसानी से टाइम को AM और PM में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं और उसे आप माइंड कीजिए कि हम कैसे कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक द एग्जैक्ट एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। हम कहाँ पे एग्जैक्ट टाइम को फील करेंगे, यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं हम कहाँ पे उस टाइम को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा टाइम जो शुरू होता है उसे हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कब से कब तक का टाइम AM होता है और कब से कब तक का टाइम PM होता है। डियर स्टूडेंट, रात को 12 बजे के बाद से दोपहर तक का जो टाइम होता है उसे हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम। एंड दोपहर को 12 बजे के बाद से रात को 12 बजे का जो टाइम है उसे हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस को दिए गए हैं। 5:25 सुबह के टाइम को हम क्या कहेंगे, AM या फिर PM। तो हमने यहाँ पे किया 5:25 को हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच का टाइम है। क्लियर, इसीलिए हमने यहाँ पे AM को रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन, 2:20 दोपहर को बता रहा है, आफ्टरनून टाइम है, 2:20 दोपहर को 2:20 का टाइम जो है वो PM को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पोस्ट मेरिडियम जो शुरू होता है वो 12:00 आफ्टरनून टू 12:00 मिड नाइट। 12 बजे दोपहर से 12 बजे का रात का जो टाइम होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2:20 PM लिखा हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3, 12:30 12:30 हो रहा है रात्रि में, एट नाइट
तो ये टाइम जो है एएम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो है 12 बजे रात से शुरू हो रहा है और 12 बजे दोपहर के बीच का टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे एएम को रिप्रेजेंट किया है 12:30 AM. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10:05 इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है 10:05, यानी ये जो टाइम जो है वो रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे के बीच में आता है, इसलिए हम इसके साथ एएम यूज करेंगे. क्लियर? यानी 10:05 AM. नेक्स्ट हमारा आता है 6:15 इन द इवनिंग. क्या इसमें 6:50 PM होगा, क्योंकि ये शाम का टाइम है और दिन में दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का जो टाइम होता है वह पोस्ट मेरिडियम होता है. क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, 3:10 AM. 3:10 AM कैसे करेंगे? ये जो है रात के समय का टाइम है और ये 3:10 हो रहा है और रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे का जो टाइम होता है वह एएम होता है और ये उसी के बीच में आ रहा है. सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम एएम और पीएम को शो करेंगे. आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कौन से टाइम में हम एएम रिप्रेजेंट करेंगे और कौन से टाइम में हम पीएम रिप्रेजेंट करेंगे. टाइम चैप्टर में अभी और सारे टॉपिक पे हमें डिस्कस करनी है. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.